स्टूडेंट्स, हमने अब तक देखा है कि टोटल एनर्जी के दो कंपोनेंट्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हमने एक्सप्रेशंस देखे हैं. हम डिराइव कर रहे हैं एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्रेशन, और उसमें हमने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है हमारे पास और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है. अब इन दोनों वैल्यूज को हम टोटल एनर्जी में जो है वो पुट कर देते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है वो ऊपर से ही इसको हम ले आते हैं नीचे की इसके आगे हम जो है वो मजीद प्रोसीजर करने लगे हैं. ठीक है, तो इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम जो है वो पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, ये हमारे पास आ गया कि इससे इसका अगला स्टेप हमने करना है. अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम काइनेटिक एनर्जी की अगर वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास क्या आ चुकी है, ये है हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की क्या आ गई है, जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, और ये माइनस के साथ है, और बीच में क्या है, हमारे पास दोनों चीजें ऐड हो रही हैं ना, तो ये ऐड हो रही हैं. ठीक है, अब इसको हम इस तरह से लिख देते हैं. अब देखिए, प्लस इनटू माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि ये सिर्फ हमारे पास माइनस साइन रह जाएगा. ठीक है, प्लस इनटू माइनस माइनस हो गया, ये हमारे पास जो है वो एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ गया. ऐसे करते हैं, एनर्जी के लिए हम ई इस तरह से लिख देते हैं. ठीक है, तो ये अब इसको भी टैग कर देते हैं, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5. अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि जी वेलोसिटी जो है वो हम, क्योंकि उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, हम इसके फैक्टर को, वेलोसिटी के फैक्टर को रिमूव ही कर देते हैं. तो हम ऐसा करते हैं कि एक्सप्रेशन जो हम जब हमने रेडियस को डिराइव किया था ना, तो हमने एम वी स्क्वायर के लिए एक जो है वो एक्सप्रेशन हमारे पास आया था, हम उसको देख लेते हैं और उसमें से हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक है, ये हमने जो है वो क्या किया था, इसको हमने जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी वो फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन को कर्व पाथ में मूव करने पे मजबूर करती है, क्योंकि ये हमारे पास इसके लिए एक्सप्रेशन है, और इसको हमने इक्वेट किया था इलेक्ट्रिक फोर्स के एक्सप्रेशन के साथ. ठीक है, तो ये मौजूद है हमारे पास. तो इनको जब हमने इक्वेट किया था, तो हमने देखा था कि क्या हुआ था, कि ये जो है इन दोनों को इक्वेट करने पे आर एक तरफ से कैंसिल हो गया था, तो ये आर जो है वो क्या हुआ, एक तरफ से कैंसिल हो गया और दूसरी तरफ से इसका स्क्वायर जो है वो कैंसिल हुआ है. ये इस तरह से हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन आ गया था. इसको हम थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं, ये हमारे पास इसके लिए एक्सप्रेशन आ गया था. तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब जो ये वैल्यू है इस, ये हमारे पास एम वी स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसको जो है वो हम क्या करते हैं, वहां पर प्लेस कर देते हैं. ठीक है, जो हम करंट हमारी डेरिवेशन है, तो इसको हमने किया यहाँ पर प्लेस, और ये आ गई एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर, जो भी हमारे पास पूरी ये वैल्यू है. अब क्या करेंगे, इसको हमने यहां से जो है वो प्लेस कर देना है, इसकी जगह, इस एक्सप्रेशन की जगह हमने ये वाली जो है वो फैक्टर डाल देना है. ठीक है, तो ये हम कर देते हैं. इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे ई इक्वल्स हाफ आ जाएगा. ठीक है, और एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. फिर बाकी आगे जो ये वाला फैक्टर है, इसको हम पूरा इसी तरीके से लिख देंगे. ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ऐसे करते हैं. तो ये हमने कॉपी करके यहाँ पर लिया है. अब क्या है, अब इसको अगर हम देखें तो 2 × 4 क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा. तो हम डायरेक्ट यहाँ पर यही लिख देते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8. ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया टोटल एनर्जी के लिए. अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसके अंदर से हम देख लेते हैं कि इसका हम नीचे के जो हमारे पास वैल्यू है ना, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम. तो ये आ जाएगा एलसीएम, क्या आएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू तो वैसी की वैसी ही आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी, ये हो जाएगी हमारे पास -2, और ये साथ में क्या आएगा, ये देख लेते हैं हम, जी ई स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास जो है वो टोटल वैल्यू आ गई. अब देखिए, अगर ये 1 है, ये 1 जी ई स्क्वायर है, -2 जी ई स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, -ZE², तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, -ZE² डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये चीज आ गई, और ये क्या है, एनर्जी के लिए. तो ऐसा करते हैं कि हम इसको जो है वो किस तरह से लिखेंगे, हम नीचे ले आते हैं इसको, नीचे ले आते हैं, नीचे किस तरह से लाएंगे, ये हम नीचे ले आए इसको, और एनर्जी जो है ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है. और इसके लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 6 बन गई. अच्छा, ये जो वैल्यू आई है, अब इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें जो है हम आर की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं. ठीक है, आर की वैल्यू, ताकि हमारे पास ये मजीद सिंप्लीफाई हो जाए. हमने आर जो है, यानी रेडियस जो है वो क्या किया था, वो हमने जो है वो डिराइव किया था इससे लास्ट लेक्चर में, हमने उसको यानी रेडियस को डिराइव किया था. तो हम यहाँ पर रेडियस की वैल्यू ले आते हैं,
ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू है जो हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे आर की जगह, आर को यानी कि सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो चले हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से होगी। इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, यहाँ करके लिखते हैं ई इक्वल्स, और यह आ जाएगा माइनस डी ई स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो है वो डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या है, इसके नीचे डिवाइड हो रही है, जो चीज इसके नीचे डिवाइड होगी डेफिनेटली वो ऊपर चली जाएगी, तो हम डायरेक्ट ऊपर ही लिख देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई चीज है तो वो न्यूमिनेटर में चली जाती है। तो वो जी है तो जी इंटू जी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ई का स्क्वायर है, ई का स्क्वायर इंटू ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई फोर हो जाएगा, ठीक है, ई फोर आ गया। फिर पाई है, पाई लिख देते हैं, और एम है तो चलें एम भी लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो है वो वैल्यू आ गई। अब कुछ कैंसिलेशंस हैं वो देख लेते हैं। सब पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसकी कैंसिलेशन कर दी। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, यहाँ पर अरेंज करके किस तरह से लिखेंगे, ई इक्वल्स, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है इसमें से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि n के अलावा, ये जो n हमारे पास वैल्यू, ये n जो है वैल्यू है या फैक्टर है, इसके अलावा सारी चीजें जो है वो हमें नोन होती हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, बाकी सारी चीजें हमें पता होती हैं, ठीक है ना। अगर हम इनको यहाँ पर इनकी वैल्यूज की निशानदेही भी कर देते हैं, तो इसके लिए हम पहले तो ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा इस तरह मॉडिफाई करेंगे, किस तरह से कि एच स्क्वायर तो यहाँ पर आ गया, और जो n है ना, ऐसा करते हैं इसको यहां पर लिख देते हैं 1 ओवर n स्क्वायर, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है जो हमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पुट करनी होगी, ये बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट हैं। और कि इनकी वैल्यूज क्या हैं वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, किसकी वैल्यूज आ गई है, डिफरेंट जो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर, जो हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट पुट कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह एन अगर सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट, और ये तो चेंज होता रहेगा, तो ये जो है हम इसको इसको साइड पे कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एच, जो ये एच स्क्वायर है, इसका इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास एक प्रॉपर मौजूद है, ये एक कांस्टेंट है, इसको परमिटिविटी कहते हैं। और नॉट वाला जो है वो वैक्यूम के लिए होती है, यानी कि फ्री स्पेस के लिए, ठीक है, ये भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि बात हम यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम की कर रहे हैं, ठीक है। बोर ने जो डिराइव किया था वो हाइड्रोजन के एटम के लिए किया था, तो हमें जी एच जो है वो हम जी लिखा वो और हाइड्रोजन के लिए, इसलिए हमने एच छोटा सा लिख दिया और ये 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है 1 होता है हाइड्रोजन का। फिर इलेक्ट्रॉन का हमने अगर देखें तो वो हमारे पास जो चार्ज होता है वो 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम्स है, जो कि डिटरमिंड है, ठीक है। नेक्स्ट मास होता है, इलेक्ट्रॉन का ही मास होता है, और ये कितना होता है, 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 kg, जो कि ये भी डिटरमिंड होता है, जो हमने डिटरमिन किया हुआ है, ठीक है, मेजर किया हुआ है इलेक्ट्रॉन का। तो ये सारी वैल्यूज जब हम प्लेस करते हैं, पुट करते हैं इसमें, इसकी हम यहाँ पर जो है वो पुट करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो एक वैल्यू आ जाती है, यानी कि ये चीज जो है वो सारी की सारी क्या होगी, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो एक कैलकुलेटर ले आए हैं, और इसमें जो है वो हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, इसकी वैल्यूज यहाँ से डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 9.1 एक्सपोनेंशियल 31, ठीक है, और ये -31 है, और ये हमारे पास वैल्यू है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके इसको डिवाइड कर देते हैं 8 से, ये हमने डिवाइड किया 8 से, फिर हमने इसको डिवाइड किया 8.85 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 हमारे पास है, ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर से कर दिया। फिर हम क्या करते हैं कि इसको जो है अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर 4 से ना, जी स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर तो वो 1 ही होगा, तो हम जो है अब क्या कर रहे हैं, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं e की पावर 4 से, यानी कि 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 आ जाएगा, ठीक है। और इसका हमने क्या लिया, किसकी पावर ली है, 4, तो इसकी पावर 4 ले ली, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, एच स्क्वायर से, यानी कि 6.626, जो कि वैल्यू होती है, 6.63 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल क्या आ जाता है, आगे 34 आ जाता है, और ये माइनस में होता है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ मौजूद है, और ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लिया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी वैल्यू क्या है, 2.1679, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 167, इसको अप्रोक्सीमेटली 2.17 कह सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल -18, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 2.17 × 10⁻¹⁸, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा, 1 ओवर n स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 1 ओवर n स्क्वायर। अब इस 1 ओवर n स्क्वायर को मैं एक और तरीके से भी लिख सकती हूँ कि इसी से जो है वो क्या करूं,
यहाँ पे लाइन थोड़ी सी सीधी लगाएंगे, नीचे लिखूं एन स्क्वायर, और ये क्या है, ई की वैल्यू है, यानी कि जो एनर्जी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एंथ ऑर्बिट में जो ये रिवॉल्व कर रहा, तो उसकी एनर्जी कितनी है, ये हमारे पास जो आ गई है, ठीक है, इसको जो है वही हमारे पास एक्सप्रेशन है जो कि एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए हमने जो है वो डिराइव कर लिया है. और इसको चले हम टैग भी कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7 से. तो ये हमने क्या फाइंड आउट की, हमने एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एंथ ऑर्बिट में वो फाइंड कर लिया.